हेलो दोस्तों, प्रो ज्ञान चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग BSNL फाइबर का जो लैंडलाइन कनेक्शन है उस कनेक्शन में हॉटलाइन को कैसे इनेबल करें, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग को कैसे इनेबल करें और उसके साथ साथ कॉल वेटिंग को कैसे इनेबल करें, ये चीज़ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉल कॉन्फ्रेंसिंग कॉल वेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको अपने राउटर में लॉगिन होना पड़ेगा। क्योंकि राउटर में आपका हर एक डाटा रहता है, तो लॉगिन होने के बाद आप यहां से अपने राउटर या अपने BSNL फाइबर का जो भी सेटिंग होगा उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो राउटर में लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको VOIP कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को सर्च करना होगा। तो वो हो सकता है आपके किसी भी टैब में हो सकता है, जैसे मेरा एक अलग से एप्लीकेशन नाम का टैब है, उस टैब में मेरा VOIP कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे VOIP कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन नाम के टैब में है। तो सिंपली हमको VOIP कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना है। VOIP कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद हमको एडवांस VOIP कॉन्फ़िगरेशन सर्च करना है। VOIP का फुल फॉर्म होता है वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर आपका जो वॉयस कनेक्शन है उसमें एडवांस वॉयस कनेक्शन को आपका कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ। तो इस चीज को ओपन करने के बाद, एडवांस VOIP कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करने के बाद, चूंकि मेरा साइरोटेक का राउटर है तो इसमें जहाँ पे जो ऑप्शन होगा वहीं पे मिलेगा। VOIP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका हर एक चीज इनेबल करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे में हमको कॉल कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन देगा, कॉल कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन दे रहा है। इसको सिंपली आपको इनेबल कर देना है, जो मेरा पहले से ही इनेबल है इसको इनेबल कर देना है, आपके सिस्टम में कॉल कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो फोन है, आप जो लैंडलाइन फोन लिए हुए हैं, वो फोन कॉल कॉन्फ्रेंसिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। उसके बाद उसके नीचे है, जस्ट नीचे कॉल वेटिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको भी इनेबल कर देना है। कॉल कॉन्फ्रेंसिंग और कॉल वेटिंग दोनों ही इनेबल हो गया। उसके बाद दोस्तों हॉटलाइन इनेबल। हॉटलाइन क्या करता है हम आपको ये चीज बताते हैं। हॉटलाइन को अगर इनेबल करते हैं आप, तो इससे ये होगा कि आपका रिसीवर जो होगा वो ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद किसी एक पार्टिकुलर नंबर पे, जो हॉटलाइन नंबर आप दिए होंगे उस हॉटलाइन नंबर पे ऑटोमेटिक कॉल कर देगा। जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन देता है हॉटलाइन के लिए, एक इमीडिएटली हॉटलाइन को एक्टिवेट करेगा और एक डिले एक्टिवेट करेगा। इमीडिएटली एक्टिवेट होने में क्या होगा, जैसे ही आप रिसीवर को उठाएंगे अपने कान के पास ले जाएंगे, या फिर जैसे ही आप रिसीवर को अपने हाथ में उठाएंगे और फोन ऑन होगा, लैंडलाइन कनेक्शन आपका जो चालू हो जाएगा, वैसे ही कोई पार्टिकुलर नंबर पे जो हॉटलाइन नंबर आप दिए हुए हैं उस पार्टिकुलर नंबर पे कॉल लगना शुरू हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो नंबर सही है या गलत। और साथ ही साथ दोस्तों ये चीज ध्यान में रखेंगे कि आपका जो भी नंबर हो हॉटलाइन नंबर में आप रखना चाहते हैं उसके पहले 0 जरूर लगाएं, क्योंकि 0 नहीं लगाने पे वो आपका जो रिसीवर है, का जो कनेक्शन है, वो उस नंबर को सपोर्ट नहीं करेगा और आपको बोलेगा डायल किए हुए नंबर के पहले कृपया 0 लगाएं। तो आप यहाँ पे हॉटलाइन नंबर में पहले ही 0 लगाकर उसके बाद हॉटलाइन नंबर को आप यहाँ पे डाल दें। तो दोस्तों हॉटलाइन इमीडिएटली क्या काम करेगा, जैसे ही रिसीवर को उठाएंगे वैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है हॉटलाइन डिले का, इसमें क्या करेगा कि ये हॉटलाइन डिले टाइम आउट जो दिया हुआ है, इस टाइमिंग रेंज के अंदर जैसे 15 सेकंड तक आप किसी नंबर पे कॉल नहीं करते हैं, रिसीवर को अपने फ़ोन से अलग करके रखते हैं, तो ऑटोमेटिक 15 सेकंड के बाद वो कॉल लगना शुरू हो जाएगा जो आपका हॉटलाइन नंबर होगा उस पे। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन बहुत ही काम के हैं और आशा करते हैं इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्लीज चैनल पे बने रहें और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।